हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल फैक्ट गली हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शहर की यात्रा पर चलेंगे जहां पर खाने की खुशबू आपको पूरे शहर से आएगी। एक ऐसा शहर जहां के लोग चाय के साथ भी खाते हैं केला। दोस्तों, इस शहर को भारत का कल्चरल और म्यूजिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे फेमस कलाकार सुपरस्टार रजनीकांत जी भी यहीं से हैं। जैसे मुंबई में बॉलीवुड है, वैसे यहाँ पर कॉलीवुड है। यहाँ के लोगों के बीच में नाच गाना और खेलकूद काफ़ी पॉपुलर है। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो यह रांची से है पर यह शहर इनको अपना बेटा मानता है। अब तो आप समझ गए होंगे, आज हम आपको भारत के मशहूर चेन्नई शहर की यात्रा पर ले चल रहे हैं। तो देर किस बात की, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं चेन्नई शहर के शानदार सफ़र पर। सबसे पहले बता दूँ, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ की कुल आबादी लगभग 72 लाख है, जो कि भारत की एक बड़ी आबादी है किसी शहर में। चेन्नई बाहर से आए हुए 45% टूरिस्टर को अपनी खूबसूरती की तरफ आकर्षित करता है। चेन्नई में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध जगहें हैं, जिसके कारण भारत में घूमने आए हुए लोग ज़्यादातर चेन्नई होके ही जाते हैं। और चेन्नई को भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा, चेन्नई इकोनॉमिकल एरिया के हिसाब से भारत के बड़े शहरों में से एक है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, बाद में तमिलनाडु सरकार ने 1996 में इसका नाम चेन्नई रख दिया। चेन्नई में कई ब्रांडेड गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं, जो यहाँ नई नई गाड़ियों को बनाकर पूरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, चेन्नई में वर्ल्ड बैंक ऑफिस भी है, जो वर्ल्ड बैंक चेन्नई के नाम से जाना जाता है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज तमिल है, लेकिन यहाँ बिजनेस पर्पज से इंग्लिश बोली जाती है। 2011 में जनगणना के अनुसार से चेन्नई भारत का 14 सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की पॉपुलेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से 36वां सबसे बड़ा शहर है। चेन्नई के लोगों का केला के सबसे पसंदीदा फल है। लोग यहाँ चाय के साथ केला खाते हैं, साथ ही यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा केले के चिप्स की भी पसंद करते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में चेन्नई किसी से कम नहीं। यहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं। आपने IIT चेन्नई का नाम सुना होगा, जहाँ से देश के बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। चेन्नई में स्कूलों से ही बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत जी भी चेन्नई में रहते हैं। इनके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, बस इतना जान लीजिए, ये जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतना बड़ा इनका दिल भी है। आज इन्हीं की वजह से तमिलनाडु में जिन बच्चों के पास पैसा नहीं था, उन्हें अच्छी शिक्षा इन्होंने दिलाई और विदेशों में भी पढ़ाने का खर्च उठा रहे हैं। साथ ही कई लोगों को रोजगार दिया। तो इतना दरिया दिल है अपने सुपरस्टार रजनीकांत। चेन्नई के लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत प्यार है। चेन्नई सुपर किंग के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। यह टीम IPL की 3 बार चैंपियन टीम रही है। यहाँ के लोगों में अपनी टीम को लेकर एक अलग ही जुनून है। लोग यहाँ क्रिकेट के बिना रह नहीं सकते। चेन्नई में जब मैच होता है तो सड़कों तक बहुत भीड़ होती है, क्योंकि पूरी चेन्नई पीले रंग से रंगी होती है। चेन्नई भारत की कल्चरल और म्यूजिक राजधानी है और यह शहर अपने क्लासिकल डांस और मंदिरों के लिए काफ़ी पॉपुलर है। सबसे बेस्ट साउथ इंडियन फूड खाना है तो आपको चेन्नई आना पड़ेगा। यहाँ पर केले के पत्ते के ऊपर जो डोसा खिलाया जाता है, उसकी बात ही अलग है दोस्तों। बाकी जितने बड़े बड़े रेस्टोरों में डोसा आया, आपने बहुत सी चीज़ खाई होंगी, उसके आगे ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल है। दोस्तों, चेन्नई में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो विश्व में बहुत पुराना है। विकिपीडिया के अनुसार यह पेड़ 450 वर्ष पुराना है। चेन्नई तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि चेन्नई में देखने लायक जगह जो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो बने रहिए और जानते हैं घूमने लायक जगह। चलिए, सबसे पहले चेन्नई में घूमने लायक जगह है वेल्लूर कोट्टम। यह रथ की तरह दिखने वाला एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह भव्य स्मारक 100 फीट ऊंचा है।
इसके बाद देखने लायक जगह है गिरिडीह नेशनल पार्क। सन 1970 में स्थित यह प्रसिद्ध पार्क जो लगभग 270 एकड़ में बना हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दुर्लभ से दुर्लभ जानवर तथा पेड़ पौधे। साथ ही इसमें एक अंदर स्नेक पार्क भी है जहाँ आपको छोटे से छोटा सांप तथा बड़े से बड़ा सांप देखने को मिल जाएगा जो देखने में बहुत शानदार है। अगला है चेन्नई रेल म्यूजियम। 2002 में बना यह म्यूजियम बहुत शानदार बना है जो भारत में हुई रेलवे चेंजिंग में के बारे में दर्शाता है जो देखने में बहुत आकर्षक है। साथ ही यहाँ वह ट्रेन भी मौजूद है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। नेक्स्ट है मरीना बीच। चेन्नई में स्थित मरीना बीच एक खूबसूरत नेचुरल शहरी बीच है जिसका कुछ हिस्सा बंगाली खाड़ी में भी मिलता है। इस बीच की गिनती वर्ल्ड के सबसे लंबे बीच में से एक की जाती है जिसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 300 मीटर है। सिक्योरिटी के अनुसार इस बीच पर आप नहा और तैर नहीं सकते क्योंकि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन आप इस बीच के किनारे बैठकर यहाँ के क्लाइमेट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफी पर भी कोई पाबंदी नहीं है, आप यहाँ अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है पुलिकट झील। तमिलनाडु में स्थित पुलिकट झील दक्षिण भारत की चुनिंदा झीलों में से एक है जो चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यह झील अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी जानी जाती है। इस झील की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। पुलिकट झील बोटिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है जो आपको नेचर से जोड़कर रखती है। आप यहाँ दोस्तों परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों यह था चेन्नई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम लोग किस पर बनाएं। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।